दोस्तों पिछले हफ्ते 3 सफल परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ ने एक बार फिर से एरिया वार्निंग जारी कर दी है। इस साल डीआरडीओ ने रिकॉर्ड तोड़ परीक्षण को अंजाम दिया है। इसमें पिनाका मिसाइल, सौर्य, ब्रह्मोस, IWER, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, अग्नि प्राइम और हाल ही में किया गया इस साल का सबसे बड़ा परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल और इसके अलावा और भी कई परीक्षण शामिल हैं। लेकिन दोस्तों अब जो परीक्षण डीआरडीओ करने वाला है और जिसकी एरिया वार्निंग जारी की गई है, हो सकता है कि यह परीक्षण पाकिस्तान के लिए अग्नि 5 से भी बड़ा परीक्षण हो। आज से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि साल के अंत में डीआरडीओ एक बड़ा परीक्षण करने वाला है। हालांकि दोस्तों डीआरडीओ परीक्षण से पहले यह कभी स्पष्ट नहीं करता कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण वो करने वाला है, लेकिन अक्सर हम नोटाम वगैरह को देखकर इसका अंदाजा लगा लेते हैं। दोस्तों यह एरिया वार्निंग डीआरडीओ ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जारी की है और यह वार्निंग 22,246 स्क्वायर नॉटिकल माइल में जारी की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है। यहां पर भारत सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण करेगा। अब कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है डीआरडीओ, यह हम आगे बात करेंगे। इस नोटाम को 23 नवंबर 2021 6:30 बजे से 25 नवंबर 2021 11:30 बजे तक जारी किया गया है। यानी कि इस क्षेत्र में इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी जहाज, ड्रोन या किसी भी ऑब्जेक्ट का आना वर्जित है। दोस्तों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत यहां पर सरफेस टू सरफेस प्रनास मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। दोस्तों इस मिसाइल को खासकर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये टैक्टिकली भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर एक एडवांटेज देगा। अब ऐसा क्या है इस मिसाइल में, चलिए जानते हैं। दोस्तों प्रनास एक ऐसी मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी है, क्योंकि जिस एक एक पाव के परमाणु बम की धमकियां पाकिस्तान हमको अक्सर देता रहता है, यह मिसाइल यकीन मानो उसी का ही तोड़ है। भारत खासकर इस मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर और चीनी कैंपों को जो कि सरहद के पास है उनको ध्यान में रखकर तैयार की है और अब समय आ गया कि इस मिसाइल को दुनिया के सामने लाया जाएगा। दोस्तों भारत ने वैसे तो 2020 में ही यह ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वह एक टैक्टिकली बैलिस्टिक मिसाइल को बना रहा है जिसका नाम उसने प्रनास रखा था। यह मिसाइल क्यों भारतीय सेना को बहुत अधिक ताकतवर बनाएगी और इससे क्यों पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है, साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इन सारी बातों को एक एक करके चलिए समझते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप यह सोच रहे हो कि भारत के पास जब अग्नि मिसाइल की सीरीज, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, तो भारत ने आखिर क्यों प्रनास मिसाइल को विकसित किया है। साथ ही पाकिस्तान भी यह समझता है कि भारत ने इस मिसाइल को उसी को ध्यान में रखकर तैयार की है, जो कि काफी हद तक सच भी है। दरअसल डीआरडीओ ने 2020 में ही दुनिया को अपनी टैक्टिकल मिसाइल के बारे में बता दिया था। प्रनास मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक होगी और यह एक CRBM बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी कि एक क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। वहीं दोस्तों प्रनास मिसाइल प्रहार मिसाइल का ही अगला वेरिएंट होगा। प्रहार मिसाइल भी एक टैक्टिकल मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। प्रहार मिसाइल की एक खासियत है कि इसकी कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है और 2 से 3 मिनट के अंदर लॉन्च होने के लिए रेडी भी हो जाती है। टैक्टिकल मिसाइल किसी भी देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का हर वो देश टैक्टिकल मिसाइल अपने पास रखता है जिस देश की सेना या तो बड़ी हो या फिर उस देश ने पहले किसी से युद्ध लड़ा हो। यह टैक्टिकल मिसाइल ट्रक या ऐसे किसी व्हीकल पर माउंट होने के कारण इजिली कहीं पर भी और कितनी भी दूर ले जाई जा सकती है। इसके साथ ही यह मिनटों में लॉन्च होने के लिए तैयार भी हो जाती है। दरअसल पाकिस्तान को इस मिसाइल से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि यह परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, लेकिन परमाणु बम तो भारत की और मिसाइल भी ले जा सकती है, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध जैसी संभावनाएं बनती है, तो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की धमकी हमें देता है। दरअसल पाकिस्तान के पास टैक्टिकल मिसाइल मौजूद है और इसमें खास बात यह है कि इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सिर्फ हाई कमान के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है और इसके लिए स्पेशल PMO से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण यह है कि टैक्टिकल मिसाइल एक छोटे एरिया को कवर करती है और 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में सेना पर हमला करने के काम आती है। तो इस सूरत में युद्ध जैसे हालात में सेना पर हमला करने के लिए इन टैक्टिकल मिसाइल का उपयोग किया जाता है और इसके थ्रू सिविलियन की बजाय सिर्फ आर्मी पर निशाना बनाया जाता है और यह युद्ध में पूरी तरह जायज है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपने पाव पाव के एटम बम पर इतना घमंड करता है, वही भारत के पास जो एटम बम है वो इतने बड़े हैं जिसके लिए सीधे PMO की परमिशन की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि भारत ने प्रनास मिसाइल को डेवलप किया है। सतह से सतह तक मार करने में सक्षम प्रनास मिसाइल को सेना और वायुसेना दोनों के लिए बनाया जा रहा है। इस मिसाइल का प्रयोग किसी भी सामरिक और रणनीतिक लक्ष्य को भेदने के लिए किया जा सकेगा। डीआरडीओ के अधिकारियों ने यह उम्मीद जताई है कि इसके सारे ट्रायल 2022 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इससे न केवल भारत की सामरिक क्षमता में मजबूती मिलेगी बल्कि वह अपने मित्र देशों को भी इसका निर्यात कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो मिसाइल की बिक्री के लिए तय की गई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर ही आती है। डीआरडीओ पिछले कई सालों से भारत की ताकत में इजाफा करने के लिए नई नई मिसाइलों का निर्माण और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 23 तारीख को
इसी मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ करेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस को भी लेकर अटकलें लग रही है। बाकी किसका परीक्षण किया जाता है ये कंफर्म तो 23 तारीख को ही होगा। बहरहाल दोस्तों डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।